हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस की, जो कि निकाली है UPPSC ने। और उस नोटिफिकेशन में बताया है कुछ पोस्ट जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको बस गूगल पर टाइप करना है UPPSC। जैसे आप UPPSC टाइप करेंगे तो UPPSC के जो ऑफिशियल वेबसाइट है UPPSC.UP.NIC.IN वो ओपन हो जाएगा। फिर आपको जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है UPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के सामने आ जाएगी और आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको नोटिफिकेशन के लिए जाना कहाँ है, आपको जाना है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट, आपको जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जितने भी नोटिफिकेशन जो कि अभी अवेलेबल हैं वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर सर्विस एग्जामिनेशन की। तो इस नोटिफिकेशन को देखने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है, डेट दे रखी है, स्टार्ट डेट दे रखी है जो कि 29 दिसंबर 2020 है, फी डिपोजिशन की लास्ट डेट 25 जनवरी है और फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट है वो 29 जनवरी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं कि क्या क्या आपको इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो करने हैं। इसके अलावा आप जो है एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं और जो इसका डिटेल प्रॉस्पेक्टस है या एडवर्टाइजमेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वो एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ। तो आपको बस क्लिक करना है व्यू एडवर्टाइजमेंट पे। जैसे आप व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अगर आप हिंदी को प्रेफर करते हैं तो आप हिंदी में भी लाइक एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम देख सकते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट क्लिक करने के लिए आपको बस क्लिक करना है क्लिक हियर फॉर इंग्लिश PDF फाइल। इसके अलावा अगर आप सैंपल कॉपी देखना चाहते हैं कि आपको फॉर्म जो अपना कैसा रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसका सैंपल कॉपी यहाँ मेंशन कर रखा है। साथ ही साथ सैंपल कॉपी दे रखा है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म की भी सैंपल कॉपी दे रखी है और सैंपल कॉपी दे रखी कंप्लीट प्रोसेस की। तो आप इन तीनों को भी चेक कर सकते हैं अगर आप जो है नहीं जानते कि आपको फॉर्म कैसे भरना है या क्या क्या उसमें जो मैंडेटरी चीजें वो सब जो है वो सब यूज होंगी। तो इस तरह से आप जो देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का सैंपल कॉपी, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म का सैंपल कॉपी और जो कंप्लीटेड प्रोसेस है उसका सैंपल कॉपी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका है जो एडवर्टाइजमेंट है उसे इंग्लिश में हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको बस क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड हो गया है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जो है एडवर्टाइजमेंट इन्होंने जो है क्लियरली दे रखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टाइजमेंट नंबर, साथ ही साथ जो डेट है वो 29 दिसंबर को जो है ये एडवर्टाइजमेंट आया था। तो आप देख सकते हैं जो एडवर्टाइजमेंट है उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 29 दिसंबर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट डेट है रिसिप्ट ऑफ एग्जामिनेशन फी वो रहेगी 25 जनवरी और जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट वो 29 जनवरी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कब जो है लास्ट डेट है, कब जो है आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, कब जो है सबमिशन की लास्ट डेट है और कब जो है रिसिप्ट ऑफ एग्जामिनेशन फी की लास्ट डेट है। तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैं आपको वही बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन जो एप्लीकेशन आपका रहेगा वो 3 स्टेजेस में कंप्लीट होगा। पहले आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपको फी डिपॉजिट करनी होगी और जो लास्ट रहेगा वो आपका जो है फाइनल सबमिशन होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो 3 स्टेजेस में आपका जो है एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट होगा। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। तो देखिए अगर आप जो है जनरल कैटेगरी या EWS कैटेगरी या अदर बैकवर्ड क्लास के, तो आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी है, इसके अलावा 25 रुपीज़ जो आपका है ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी, यानी कि एग्जाम फी यहाँ पे 100 रुपीज़ है और ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी 25 रुपीज़ है। तो टोटल यहाँ पे आपको 125 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। वही अगर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं UP के SC ST कैटेगरी के, तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन फी 40 है और जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी वो 25 है। तो टोटल यहाँ पे 65 रुपीज़ जो है आपका ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी हो जाएगा, टोटल फी हो जाएगा 65 रुपीज़। वहीं अगर आप हैंडीकैप है तो यहाँ पे आपको कोई भी एग्जामिनेशन फी पे नहीं करनी है, लेकिन आपको यहाँ पे जो है ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी 25 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे करनी है। तो ये सब जो होगी एप्लीकेशन फी के बारे में आपको साथ डिस्कस कर लिया। इसके अलावा देखिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं, टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 564 है।
ठीक है। अब ये जो वैकेंसी ये बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, तो ये डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस या रिक्वायरमेंट की बेस पे। आप बात करते थे हम लोग पे स्केल का, तो यहाँ पे देखिए पे स्केल जो है वो 9300 टू 34800 और ग्रेड पे 4600 है। इसके अलावा आप और भी देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए अलग अलग जो है ग्रेड पे मेंशन कर रखा है। इसके अलावा अगर आप यूपी के एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप किसी अन्य स्टेट से या अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं जो है आपका ग्रुप ए के लिए जो भी रिटर्न एग्जामिनेशन है इंटरव्यू होगा, ये देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या प्रिंसिपल गवर्नमेंट फूड लाइक साइंस ट्रेनिंग सेंटर या फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो है ग्रुप ए की जॉब है और आपको यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन देना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पे इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। इसके लिए देखिए एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर में होना चाहिए। वहीं अगर फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर के लिए या फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका बीएससी जो है विद केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए या बीएससी एग्रीकल्चर किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना कंपलसरी है। इसके बाद देखिए ग्रुप बी में भी कुछ जॉब्स है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, तो यहाँ पर जो आपका पीजी डिग्री होना चाहिए एग्रोनॉमी में, और अगर आप सीनियर टेक्निकल ऑफिसर बॉटनी ब्रांच से कर रहे हैं तो आपका पीजी डिग्री एग्रो बॉटनी में होना चाहिए, और या प्लांट रिप्रोडक्शन में विद साइंस ऑफ ओरिजिन और पीजी डिग्री इन बॉटनी विद स्पेशली इन जेनेटिक्स और प्लांट रिप्रोडक्शन मस्ट बी अ ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर। यहाँ पे तो आपका बीएससी में एटलीस्ट ग्रेजुएशन लाइक ग्रेजुएशन में आपका जो है एग्रीकल्चर होना चाहिए। मीन्स अगर आप जो बीएससी आपने किया है उसमें आपका एग्रीकल्चर मस्ट है तभी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर से नहीं किया है, एमएससी आपके पास बॉटनी है और जो बीएससी भी आपने बॉटनी जूलॉजी से किया है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसीलिए आपका जो अंडर ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएशन में आपका जो बीएससी वो एग्रीकल्चर में होना मस्ट है। इसके अलावा प्लांट प्रोटेक्शन में भी वैकेंसीज को निकाला गया है और सब में देखिए जो बेसिक क्राइटेरिया उन्होंने रखा है वो है आपका जो यूजी डिग्री होनी चाहिए वो आपकी एग्रीकल्चर में होनी चाहिए, बाकी आपका जो पीजी डिग्री है वो प्लांट साइंस में भी होगा तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो ग्रेजुएट डिग्री है वो आपकी एग्रीकल्चर में मस्ट है। इसके बाद एक केमिस्ट्री के लिए भी यहाँ पे निकाली गई सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जॉब और यहाँ पे डेवलपमेंट ब्रांच के लिए भी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के लिए जो है एप्लीकेशन इनवाइटेड है, बॉटनी ब्रांच, प्लांट प्रोटेक्शन, केमिस्ट्री ब्रांच, डेवलपमेंट ब्रांच। इसके अलावा हम बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पे आपकी एज जो है वो 21 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए और 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप जो है एस सी एस टी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर्स का जो है यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और अगर आप ओबीसी भी है तब भी यहाँ पे आपको जो है 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रिजर्वेशन है तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि क्या क्या मेंशन कर रखा है। तो देखिए ऑलरेडी मैंने आपका डिस्कस कर लिया यहाँ पे कैंडिडेट सेगमेंट के बारे में, जितनी भी डिटेल हो आपके डिस्कस कर ली स्टार्टिंग में ही। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने सिलेबस भी मेंशन कर रखा है, तो आप सिलेबस अगर देखना चाहते हैं कि क्या क्या सिलेबस आएगा क्या क्या टॉपिक रहेंगे तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो जिस सिलेबस पे जनरल स्टडीज जो कि कॉमन है, तो यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज है जैसे जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो ये सारी चीज़ें जो है कॉमन रहेंगी आपके एग्जाम में। तो जनरल स्टडीज़ का जो सिलेबस ये कॉमन है सारे लाइक के पोस्ट के लिए। उसके अलावा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से देखना चाहते हैं या आप जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप है या बॉटनी ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सारे जो है यहाँ पे टॉपिक्स दे रखे हैं, तो आप इन टॉपिक्स को जो है प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं ग्रुप बी के सारे सिलेबस यहाँ मेंशन कर रखा है, ग्रुप ए का भी जो सिलेबस है वो लाइक पोस्ट वाइज यहाँ पे सेपरेट सेपरेट जो है वो मेंशन कर रखा है, तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको कोई भी लाइक कन्फ्यूजन या डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।